नमस्कार दोस्तों, देख पा रहे हैं आज हम इस पैनल के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसमें समस्या क्या है देख पा रहे हैं आप, जब वोल्टेज इसमें आ रहा है जैसे कल देख रहे हैं, हम इसे चालू जब कर रहे हैं ये चालू हो रहा है, छोड़ने पे बंद हो जा रहा है। दोस्तों इसमें कई प्रकार के कारण ऐसे हो सकते हैं कि क्या समस्या है, तो मैं आपको बता दूँ, फिर पुनः मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। जब तक हम हरी स्विच को पुश करके रखते हैं तब तक चालू है, छोड़ देने पर बंद हो जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ये रेड स्विच। रेड स्विच हमारा क्या होता है, नॉर्मल ओपन होता है दोस्तों, नॉर्मल ये है ना वो एन एस सी, ये जो हमारे जो देख पा रहे हैं आप वायर है स्विच है, तो हमने सबसे पहले दोस्तों इसे चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपको चाहे तो आप इसे खोल के चेक कर लें यहाँ पॉइंट से निकाल के, चाहे तो आप शॉर्ट करके चेक कर लें। तो हमने चेक किया दोस्तों ये हमारा सही है। दूसरे स्टेप में आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि जो हमारा एम्पियर एक नंबर से उठ के देख पा रहे हैं एम्पियर मीटर से यहाँ पे वायर आया हुआ है, देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे यह वायर कटा हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारे यानी आर समरसेबल के वायर के आर वाले पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है देख पा रहे हैं यह वायर कट गया है। दोस्तों इस स्थिति में भी हम क्या करने वाले हैं कि इसे हम करने वाले हैं रिपेयर। रिपेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको खोल लेना है, देख पा रहे हैं ये पॉइंट है जो इस वायर को आपको यहाँ से अच्छे से साफ कर लेना है। इसकी पीवीसी जो ऊपर की साइड के जल गया है इसे हटा लेना है, कुछ इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं हटाना है अन्यथा वायर छोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, अच्छे से बचा के करें और अपनी जिम्मेदारी पे ही काम। इसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इसे खोल दिया है, दोस्तों वायर छोटा लग रहा है इसलिए हम इसे तोड़ देते हैं क्लिप को, और यहाँ का पॉइंट देख पा रहे हैं हमने इसे खोल लिया है और अभी हम अच्छे से इसे सेट करके उसे टाइट करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं हमारा चल रहा है या नहीं, दोस्तों अभी हम रिपेयर कर चुके हैं, अब हम आपको चालू करके दिखाते हैं। देख पा रहे हैं पैनल हमारा चालू हो गया है, पानी भी गिर रहा है, एम्पियर मीटर इसका समस्या है इसलिए एम्पियर मीटर नहीं बता रहा है। दोस्तों इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।